हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हैशटैग रितुस किचन को और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ इंस्टेंट पैनकेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस इंस्टेंट पैनकेक के मिक्सचर से पैनकेक बनाना बहुत ही आसान है और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। इस इंस्टेंट पैनकेक के मिक्सचर से पैनकेक बनाने के लिए हमें और क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है बेटी क्रोकर्स का एक पैनकेक मिक्सचर और इसके साथ चाहिए 1 टेबलस्पून बटर, 1 कप मिल्क। आप अपने पसंद से टॉपिंग के लिए चोको सिरप या फिर हनी यूज कर सकते हो। तो चलिए पैनकेक के बैटर को हम रेडी कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हम एक मीडियम साइज बोल ले लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 कप यानी कि 150 ग्राम पैनकेक मिक्सचर। मैं यहाँ पे मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप मिल्क के बदले पानी भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और मिक्सचर के साथ मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करना है ताकि बैटर में कोई लम्स ना बने। बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर हम बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाने से बैटर फ्राइंग पैन में अच्छे से नहीं स्प्रेड होगा और अगर ज़्यादा पतला बन जाए तो वो ज़्यादा ही स्प्रेड हो जाएगा। विदाउट एनी लम्स एक स्मूथ मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर हमने बना लिया है। अब हम एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लेंगे और फ्राइंग पैन को बहुत ही कम बटर से ग्रीस कर लेंगे और पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों कि बहुत ही कम बटर से हमें पैन को ग्रीस करना है, ज़्यादा बटर लेने से पैनकेक अच्छा नहीं बनेगा। पैन के गर्म होने के बाद हम इसमें 1/4 कप बैटर डाल देंगे। पैनकेक को हम ऐसे तब तक कुक करेंगे जब तक ना ये ऊपर से ड्राई हो जाए और बीच बीच में ऐसे बबल ना जाए। आप देख सकते हो कि पैनकेक ऊपर से ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसको पलट देते हैं। अब दूसरे साइड को भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कुक कर लेंगे। दोनों साइड से ये कुक हो चुका है, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस में हम बाकी बचे हुए बैटर से और थोड़े पैनकेक बना लेंगे। पैनकेक बनाने के लिए नॉन स्टिक फ्राइंग पैन अगर आप यूज करोगे तो ये अच्छा बनेगा। इस पैनकेक मिक्सचर से आप पैनकेक के साथ साथ वफर भी बना सकते हो। इसके पैकेट के पीछे लिखा हुआ है कि 250 ग्राम मिक्सचर से आप 11 से 12 पैनकेक बना सकते हो, पर मेरा इतना नहीं बना।
मैं 6 से 7 पैनकेक ही बना पाई हूँ। शायद थोड़ा और छोटे साइज में बनाने से बन जाता। तो सारे पैनकेक बन चुके हैं, तो अब हम इसमें थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लेते हैं। ब्रश या फिर स्पून से हम एक एक करके सारे पैनकेक में बटर ग्रीस कर लेंगे। पैनकेक गरम अच्छे लगते हैं खाने में, तो इसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। और सर्व करने के टाइम ऊपर से थोड़ा सा हनी या फिर चोको सिरप, जो आपको पसंद हो, स्प्रेड कर लीजिए। तो रेडी है टेस्टी, इजी एंड क्विक पैनकेक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे जो ब्लैक थंब है उसे ब्लू कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड ईट हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।